नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया की खास पेशकश। आइए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। सेंधवा के जघन्य अपराध को लेकर पूरे बड़वानी जिले के साथ ठीकरी नगर में भी हिंदू समाज में आक्रोश देखने को मिला है। सकल हिंदू समाज के लोग नगर के गांधी चौक में गुरुवार की शाम को एकत्रित हुए, जहां से विशाल रैली के रूप में निकले, जिसमें आरोपी इमरान को फांसी देने की मांग करते हुए नारे लगाए। वहीं जनता में इस जघन्य अपराध को लेकर बड़ा आक्रोश नजर आया। वहीं इस विशाल रैली ने थाने पहुंचकर ठीकरी तहसीलदार कार्तिक मौर्य एवं थाना प्रभारी ओपी सिंह चोंगड़े को मुख्यमंत्री के नाम वाचन कर ज्ञापन सौंपा गया। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक आशीष महाजन ने बताया कि इस जघन्य अपराध को लेकर जनता में जिस प्रकार आक्रोश है, हम मांग करते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस प्रकरण को लेकर जल्द से जल्द सुनवाई कर आरोपी इमरान को फांसी की सजा दी जाए, यही हमारी मांग है। आशीष महाजन, हिंदू जागरण मंच जिला संयोजक। ये ज्ञापन हमने सेंधवा में जो एक नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार हुआ सिलसिले में दिए। हम चाहते है कि फास्ट कोर्ट में उसका मामला चलना चाहिए और उसको तत्काल फांसी की सजा मिलना चाहिए उस आरोपी को, ताकि भविष्य में भी किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना घटित न हो। प्रदेश हम ये चाहते, प्रशासन ने उसका मकान तो तोड़ दिया है, लेकिन उसकी संपत्ति को भी कुर्क किया जाए और जल्दी से जल्दी उसको फांसी पर लटकाया जाए। सकल हिंदू समाज ने आज रैली निकाल कर एक सेंधवा में हुई घटना को लेकर माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है, तो उचित कार्रवाई के लिए हम ये जो ज्ञापन है विधिवत हम पहुँचा दें। जो भी आपकी मांगे हैं या ज्ञापन के माध्यम से जो आपने माननीय महोदय जी को लिखा है, आपका आवेदन वहां तक पहुंच जाएगा। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट।